तो हमने जो बाबू का नाम रखा है जी, वह आप लोग के सजेशन पर रखा। नाम हमें सबसे अच्छा लगा वह हम आपको बता रहे हैं कि यार आ गया जी हमारे कुमार शाश्वत का, और शाश्वत का SH भी आ गया और शिवानी का SH भी आ गया। पापा और बेटा को देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सो जाए, लेकिन सो नहीं रहा। आपसे कब सोया है? जो आज सोएगा ये खेल रहा है। तो आपका पपीता खा रही है, आपसे नहीं खाने। क्या कर रही हो ये बताओ? बाबू रो रहा है। बाबू खिला रही हो? और बताओ भूख लग गया। अब ये ना नहीं करेगा, धीरे धीरे अपना हर चीज बदलेगा। कभी रोना कभी हंसना। तुम्हारी तबीयत कैसी है ये बता? तबीयत में इतना सुधार तो हो रहा है। तो बाबू खिलाओ, दोनों आदमी मिलके देखो तबीयत कैसे ही सुधार हो जाता है। छोटा खिलाते जाओ, तबीयत ऐसे भी हो जाएगा, दोनों खुश हो जाओगे। देखो हम और दीदी इसको खिलाते रहते हैं, हम दोनों भी गए। तुम दोनों खिलाओ, तुम लोग भी खुश हो जाओगे। बाबू खेलो, भूख लग गया। अब भूख ले, अब ये नहीं रुकने वाला है। अब ये भूख लग गया बाबू को। थोड़ा सा अपना मम्मी के साथ खाना पीना खा के फिर बैठेगा। बस हमारे बाबू खाए खाना सोना, दो ही काम बचा है। थोड़ी देर ये जगता है बस। और बबीता बताओ आज क्या सब बना रही हो? कटहल आलू का सब्जी बन रहा है। कटहल आलू का सब्जी और रोटी, सही है? पता लगा है जो बबीता बहुत ही अच्छा। 4-5 दिन रहिएगा। अब 4-5 दिन है, 15 का टिकट है मेरा। जिया बता रही थी जो कि बबीता दीदी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। हम सोचे चलिए आज देखेंगे बबीता कैसे खाना बनाती है। कटहल की सब्जी बना रही है बबीता। दादी को टाइम नहीं देता है, जो दादी आके काम करे तो क्या करे, समय नहीं देता है। क्या करे, खाना बनाए कि बच्चे का देखभाल करे कि पेशेंट का देखभाल। बच्चे मेरा बेटा बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया, और उसका बेटा जो है बदमाशी में एक्सपर्ट हो गया। गजब बेइज्जती, तबाह करे। एक महीना उम्र पूरा नहीं है, अभी से इतना मनमानी करे। इतना तो मेरा दोनों बेटा मिला के बदमाश दोनों मिल के आ गया जैसा हो गया है। बुआ नटिन कुआ एन भय गए बंदूक कुआ तो बहुत नटिन जेने हुआ चोने भती दोनों छे एक है। तुम क्या है कैसे कुआ को बदनाम कर रहा है तुम? अब सुन रहा है चुपचाप? मैं दी दूध है, कुआ भतीजा एक है। दो तेने कुआ छो तेने भतीजा। यहाँ पे खाना खा रहे हैं बिना हल्दी और बिना छोटा हुआ खिचड़ी, फिर भी अच्छे लगेगा, अच्छा लगता है। दादी इधर काम कर रही है लेकिन फिर भी छोटू छोटू चल रहा है। मम्मी क्या सी रहे हैं? अब रितु के लिए ब्लाउज बना रहे हैं, तुम्हारी बन गई है। अब जब आएंगे तीज में हम सोच रहे हैं, देखो रितु के लिए थोड़ा सा बना, तुम्हारा बन गया था, रितु का भी बना के जाए। अच्छा। अब तीज में जब देखो आप ऐसे आते हैं तब तुम लोग के लिए तीज बनाएंगे। अच्छा। जी कट जिस हिसाब से कट जाएगा ना, हो जाएंगे तब तक मेरा इंतजार जरूर करना, फिर टेलर को बात देना। ये कब से सील रही है और जब लास्ट टाइम आ रहा है तब पूरा हो रहा है, इसलिए क्योंकि बाबू टाइम ही नहीं देते। देखो हाँ टाइम भी नहीं मिलता है, मेरा भी बाबू के अलावा ब्लाउज ब्लाउज सिलने में भी मन नहीं लगता है। ये लोग जबरदस्ती हमारे साथ कह रही है मम्मी सिलेगी, काट दिए तो सिल दी, काट दिए नहीं तो फिर हम नहीं सिले अपने पोता खिलाते। बताइए कितना बढ़िया ब्लाउज का डिजाइन बना रही है, सही लग रहा है? देख सकते हैं मम्मी कितना अच्छा ब्लाउज का डिजाइन बना रही है, बहुत अच्छा। सही बन रहा है ना? रितु के लिए बना दिए, देखो अगर बनने के बाद अगर थोड़ा सा टाइम मिला तुम्हारे लिए भी तीज के, फिर उसके लिए भी तीज के बना के जाएंगे। उधर टाइम नहीं मिलेगा, मत सोचो। वैसे मैंने ऐसी कही क्या मम्मी, अब तुम्हारे पास टाइम है कि हम यहाँ पे करने वाले हैं, दोनों ब्लाउज लेके आ जाओ यहाँ पे। हाँ, वो ठीक है, दोनों आदमी ब्लाउज लेके जाएंगे, लो आप बना के लाएंगे, ठीक है? बाबू सुला रही हो जी या क्या? बाबू सो गया। हो गया बाबू, मच्छरदानी में सोया है, देख सकते हैं इतना प्यारा सा है। और इसे ये गिफ्ट में मिला हुआ है, इंस्टाग्राम का एक पेज है जहाँ से इसको ये गिफ्ट में मिला है, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। और इसके बारे में हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे किसने हमें ये भेजा है, सबको आईडी नाम याद नहीं है। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, आप लोग बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। वो अभी एकदम मौज में सोया हुआ है, देख सकते हैं। और इसके अंदर ये सब टॉय भी लगा हुआ है थोड़ा सा, और जो अभी हवा में पूरा हिल रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी एक दो रील भी बना ली है मम्मी? हाँ हम दो रील बना लिए, हम भी डालेंगे। ये मच्छरदानी मुझे ही बहुत ही अच्छा लगा है, आप हमारे पोते के लिए गिफ्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा है। बाबू भी जग गया, बाबू भी जग गया, आप देख सकते हैं मेरा बाबू कितना अच्छा है। मेरा बाबू राजा बेटा है, थोड़ा सा सुसु भी हो गया है, सुसु किया है, सुसु कर दिया। अच्छा, ये देखिए मच्छरदानी का मेरा बाबू दिख रहा है, चेंज कर देने तो रोएगा तुरंत, रोएगा बाबू। आज हम सोचे सब आदमी सोए हुए हैं, पोता जगा हुआ था, फिर उसको हम लेके आ गए और तब सबको जगाए और उसके बाद दे दिए खिलाने के लिए, तब से बाबा उसी में लगे हुए हैं। देखिए बाबा के साथ कैसे बाबू आराम से कंधे पे लेटा हुआ है। तुम पोता को इतना काम भी कर लेती हो, पोता को लेकर के बैठी रहती हो, कितना खुश रहती हो, पोता को कहीं जाने मत देना। खुशी का समय भगवान दिए तो खुश हो रहा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, अगला पीढ़ी भगवान दे दी, भोगने वाला है। अब इसको मम्मी के पास दे आओ, भूखू लगा है नहीं तो मच्छरदानी में सुला तो सो गया। बहुत धन्यवाद बाबा, बोला सुंदर अपना पोता देला, बोला बाबा आप देखिए मेरा पोता कितना आराम फरमा रहा है यहाँ पे।
पापा और बेटा को देख सकते हैं। मुस्की दे रहा था, खत्म। जैसे कैमरा ऑन करते उसका मुस्की खत्म हो जाता है। हाय हाय हाय, चवन नहीं मुस्कान देता है। चलो सो जाओ सो जाओ। यहाँ पापा बेटे को सुलाने की कोशिश में सो जाओ। लगता है आज पापा जो है यूट्यूब पर देखना है कुछ नहीं देगा। पापा को सो जाए, बोल रहे मेरा एक्सरसाइज हो जाएगा पैर झुलाने में। मीडियम को सुला देते। तबीयत कैसा लग रहा है सोनू? तो थोड़ा सा लग रहा है रिकवर कर रहे हैं, थोड़ा सा ताकत आया है शरीर में। कई रोज आज से मतलब 3 रोज की लगातार दवाई था ना, अब कल से सुबह शाम है। आज ही से सुबह शाम तबीयत कल से बेहतर लग रहा है। इसकी खुशबू में दादी आ गई है, तेल लगाई है। तो 3 दादी नौकर है, 3 दादी है, 3 नौकर है, 3 दादी नौकर है। पहले से मेरा बेटा बेहतर फील कर रहा है। आप लोग का आशीर्वाद लगातार। मालिश कराने के लिए बाबू तैयार है? हाँ, हम चले जाएंगे तब यही दादी मालिश करेगी ना। मना बाबू मालिश होगा, यही मामी दादी करेगी ना मालिश। तेल लगवाने दादी को, तेल लगाने नहीं आ रहा है बता रहे। प्यार में सुतले में बस दादी में पैर में लगा देगी तेल। ये दादी आएगी जो तुम्हें लगाएगी, पूरे मालिश करेगी क्या? फिर जिया सही हो जाएगा तो जिया अच्छे मालिश करती है, लेकिन अभी तो जिया की तबीयत खराब है। पैर हाथ में तेल अपना मालिश उलिश जिया का अभी हो रहा है धीरे धीरे। सीख लिए हैं लेकिन उतना जितना मम्मी कर पाती है उतना तो नहीं कर पाएंगे। हमको जैसे मालिश किया ना उसका मुझे अनुभव है। लगता है कि मेरे पोते को दिया जो हमको मालिश किया है उसका मुझे पूरी तरह अनुभव है। लगता है कि मेरा पोता को उसी तरह मन को लग रहा है। अच्छा, जो भगवान जिस घर में दिए हैं बालक पार तो लग ही जाएगा। हमने करेंगे, तुम करेंगे, तुमने करेंगे, ये दादी करेंगे। किसी न किसी तरह मेरा पोता पल ही जाएगा। सब क्या फिर देखेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर ये दादी तुरंत वहाँ से टिकट कटाएगी फिर आ जाएगी, फिर लेके बाबू को चली जाएगी। अब तुम दोनों आदमी जल्दी से ठीक हो जाओ क्योंकि अब हम चले जाएंगे, फिर बाबू को रखना है। ऐसे खिला रही है बैठ बैठ के, मालिश तुम ही करना है। कर लेंगे। आज इसके बाबा नहा रहे चुटकू को। नहाएंगे तो बाबा ही, अब हम नहाएंगे नहीं। जी मार्केट से, और मार्केट से देख सकते हैं कितना सारा सामान लेकर के आए हुए हैं। अभी तो ड्राई फ्रूट नजर आ रहा है, साथ में ये शक्कर। शक्कर कौन रहेगा? अब ये है ना, गुड़ में देंगे ना, अपने यहाँ सकोड़ा नहीं बनता है। अच्छा, इसको देना चाहिए हमें खाना, अपने यहाँ नहीं बनता है तो इसे गुड़ में। अच्छा, सठोरा के लिए मंगाइए। हाँ, सठोरा निकलता है गुड़ में कलौंजी, और ये ड्राई फ्रूट जितना है इसको घी में भून के पीस देंगे, कलौंजी मिला के गुड़ में दे देंगे। सुबह सुबह ये पानी पिएगी, सोल्ट इसमें नहीं डालेंगे, नहीं पड़ता है। और मखाना है सबको जैसे मिला के बनाएंगे। मखाना भी आ गया है जी, और आदमी है भी हमारे लिए है, तुम्हारे लिए है। ये भी आपके लिए है। अनार हो गया। अभी फल जो है साझी है सभी के लिए। इतना बड़ी मुश्किल से मिला, बहुत मुश्किल से मिला। पापा इतना सारा सामान लेके आ गए मार्केट से, और इधर ये कीवी खा रहे हैं। कीवी को काटा किसे पता नहीं है, ऐसे ही काटो ना। इधर से छील लीजिए। ठीक है, बता लेंगे। ऐसे मत कर, रुकिए हम छील के। बाई रही जब घर में बबुआ को मांगन गई, जी जब घर में बबुआ को मांगन गई, बासुरीनाथ में बबुआ छिपाई रही, घूमी घूमी होरिलवा का मूड़न भाई, नाची नाची होरिलवा का मूड़न मूड़न होने बाबू को मांगन गई, ए जी धीमा में बाबू को मांगन गई, बदने सर में बाबू छिपाई रे, बदने सर में बाबू छिपाई रही, नाची नाची को मांगन गई, राजेश्वर में बबुआ छिपाई रही, राजेश्वर में बबुआ छिपाई रही, घूमी घूमी होरिलवा का मूड़न भाई, नाची नाची होरिलवा के मूड़न भाई, मूड़न होने लगी धूमा मचने लगी, मूड़न होने लगी धूमा मचने लगी।
The next day. बाबा छोटकू बाबा अच्छा खेल रहा है, सुबह सुबह उठ के करवटे सोता है, ये चाहे कितना भी सीधा कर। क्या हो रहा है बाबू, राधे राधे कर रहे हो क्या? बाबा के साथ खेल रहे हो बबुआ? सुबह सुबह उठ के बाबा दादी के पास आ जाते हो छोटकू? जी अभी अभी सो करके उठे हैं और शरीर में जो है अब राहत मिलना जो है थोड़ा शुरुआत हो चुका है और अब जो है कुछ अच्छा फील करने लग गए हैं और यही तबीयत ठीक हुई और जैसे ही बोलने की ताकत आई है तो सोचा कि सबसे पहले जो है क्या बोला जाए। आप लोग का डिमांड पूरा। हाँ जी, तो आप लोग का डिमांड था और बहुत कमेंट भी आते जा रहे हैं कि अपने बाबू का नाम क्या रखा है आपने? अभी बाबू बाबू बोलते रहते हो, बाबू का नाम नहीं बता रहे हो आप लोग, हमने जानना है कि आपने बाबू का नाम क्या रखा। तो हमने जो बाबू का नाम रखा है जी, वह आप लोग के सजेशन पर रखा है। आप लोग से सजेशन भी मांगा था, बहुत सारे सजेशन आए। कुछ ने सजेस्ट किया जीएस, कुछ ने सजेस्ट किया जियांश, कुछ ने सजेस्ट किया कुछ और नाम इस तरह करके, लेकिन जो एक नाम हमें सबसे अच्छा लगा वो हम आपको बता रहे हैं। बहुत अच्छा लगा था और वो नाम जो है उसमें सारा पर्पस पूरा हो गया। कुमार का केआर आ गया, शिवानी का एसएच आ गया, शाश्वत मेरा नाम है शाश्वत, उसका भी एसएच आ गया और साथ ही उस नाम का जो मीनिंग है वो है कृष्ण। तीनों पर्पस हमारा पूरा हो गया था। पहले बताइए कि नाम क्या होता है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए, फिर आपको बताते हैं आपका गेस सही हुआ है कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा, आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो अब आपको बताते हैं कि नाम क्या रखा है। जी हमने नाम रखा है क्रियांश। जी हाँ हमने नाम रखा है क्रियांश। क्रियांश में केआर आ गया जी, हमारे कुमार शाश्वत का, और शाश्वत का एसएच भी आ गया और शिवानी का एसएच भी आ गया और क्रियांश का मतलब होता है कृष्ण। तो कृष्ण जी के नाम पर हमारे बेबी का नाम रखा गया है। और आप लोग कहते भी थे कि बाबू का नाम कान्हा रख दो या फिर कृष्ण के नाम पे कुछ रखना अच्छा रहेगा, तो हमने भी सोचा था कि वैसा ही कुछ रखेंगे। तो फाइनली हमें जिस टाइप का नाम चाहिए था वो उस तरह का नाम मिल गया। और यह नाम जो है बाबू के आने से पहले ही उन्होंने सोच लिया था। एक सब्सक्राइबर है तो उन्होंने जब हमारे एक बहुत प्यारे से नन्हे सब्सक्राइबर है जानू एंड प्रिंस ही, उनका फोटो यहाँ पर डाल देंगे आप लोग देख सकते हैं। वॉइस नोट भी हम लगा देंगे, जब उन्होंने ये भेजा था उस टाइम बाबू हमारा नहीं आया हुआ था। आप हमसे पूछ ही नहीं कि आपकी बेबी का नाम क्या रखेंगे। हम क्या नाम रखने वाले हो, मुझे भी तो पता होना चाहिए क्या रख रहे हो आप। ओके हम पहले गर्ल्स का बता रहे, स्वर्णिका, श्रीतिका और कृषिका। बॉयज का नेम अनादि और विघ्नेश। वन मोर क्रियांश। उन्होंने लड़की का भी नाम सोचा था और लड़के का भी नाम, तो हमें टाइम अच्छा लगा था, दोनों नाम बहुत ही अच्छे थे। तो हमने सोचा था कि जब बाबू होगा तो हम ये नाम रखेंगे और अगर फैमिली को सबको अच्छा लगेगा तब रखेंगे। बिल्कुल, तो फैमिली में भी सबको अच्छा लगा है ना। हाँ जी, तो फैमिली में भी सभी को अच्छा लगा। डैडी बोले कि यह नाम ही अच्छा है, परफेक्ट है। तो जिस दिन हम गए थे बर्थ सर्टिफिकेट बनाने उसी दिन हमने नाम डिसाइड कर लिया था और बर्थ सर्टिफिकेट में यही नाम डला हुआ है बाबू का। तो उम्मीद करते हैं कि यह नाम आप लोगों को पसंद आया होगा और बाबू के नाम से इंस्टाग्राम आईडी भी बना दिया है हमने, तो उसका लिंक डाल देंगे हम लोग कमेंट बॉक्स में और पिन कर देंगे। तो आप लोग जा करके वहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी फोटो पोस्ट करेंगे बाबू का। बाबू जिस दिन जन्म लिया था उसके साथ हमारी जो फोटो थी, इनकी फोटो थी, बहुत सारी फोटो है जो अभी तक पोस्ट नहीं किए, वो हमने बचा के रखा था कि बाबू के आईडी पे पोस्ट करें। ठीक है जी, तो आप ऐसा करते हैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले। हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले और हाँ जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे। आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।